हाय गाइस, आज की वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो मैं रेमेडी या फेस पैक या फेस मास्क जो भी आप बोलो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक ही रेमेडी से आपके स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो जाएगी। अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट हो, अगर आपके स्किन में पिंपल हो, अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो या एक्ने हो, सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन एक ही रेमेडी से आपसे हो जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करती है, जल्दी से फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर, नीचे जो बाएं तरफ जो सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है वो वाला बटन में ज़रूर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएगी, उस बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे कोई भी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, लाइक देने से मुझे मिलते बहुत सारे मोटिवेशन है अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस रेमेडी का पहला एंड मेन एविडेंस है, ये करियंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता। तो इस धनिया पत्ता को आपको फ्रेश धनिया पत्ता लेना है, और इसको मैं ऐसे जैसे काट कर ले रही हूँ पत्ते को, ऐसे आपको कट कर लेना है। इसके बाद इसको वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लिया हूँ, देख सकते हो आप। तो इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, एक मिक्सिंग जार में ये ले लेंगे इसको पेस्ट बनाने के लिए। तो इसको पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इधर पानी ऐड करेंगे जो अच्छे से पेस्ट बन जाए, इसीलिए तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा एकदम। तो इसको अभी पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम लेंगे, एक बॉल लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच करियंडर लीव्स पेस्ट, मतलब धनिया पत्ता का पेस्ट लेंगे 2 चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे दही यानी कि योगर्ट। 2 चम्मच योगर्ट लेंगे, ये मैं अच्छे से फेंट लिए थे इसीलिए ये ऐसे पतला सा दिख रहा है। तो इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस, मतलब नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। अभी ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरह से देखेगा, तो आप देख सकते हो। अभी इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के पहले अपने फेस को पूरे अच्छे तरह से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए पानी से। अब इसको अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वाला रेमेडीज़ का जो खुशबू है ना, इतनी अच्छी है, मतलब चटनी जैसा खुशबू आ रही है। अभी ये जो पेस्ट है इसको थोड़ा सा थीक, मतलब मोटा लेयर हम अप्लाई करेंगे। धनिया पत्ता बहुत ही अच्छे से स्किन में आपका डार्क स्पॉट हो, अगर पिगमेंटेशन हो, अगर पिंपल का प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छे से रिमूव करती है। एंड अगर ये एंटीसेप्टिक भी है, धनिया पत्ता आपको स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन अप करती है एंड स्किन को फ्लॉलेस बनाने में हेल्प करती है। एंड योगर्ट यानी कि दही होती है, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है एंड स्किन को क्लियर एंड फ्रेश एंड ब्राइटनिंग बनाने में हेल्प करती है। और इसमें हम ऐड किए हैं लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। लेमन जूस आपको स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करती है, एंड ये नेचुरल ब्लीच भी है एंड ये एक्सप्लोरेटर भी है, स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करती है एंड स्किन को ब्राइटनिंग वाइटनिंग बनाने में हेल्प करती है। तो तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा ये रेमेडीज़ है। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरह से देखिएगा। तो 20 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से देखिएगा। देखिए, मैं पूरा ये अच्छे तरह से तो नहीं सूखेगा, लेकिन आप 20 मिनट ही रखिए, उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। तो आप देख सकते हो, वॉश करने के बाद मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। एंड एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो मेरा स्किन है,
जो ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और मैं जो भी फेस पैक या यूज़ करती हूँ ड्राई हो जाने से मुझे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन मुझे ये वाला पैक अप्लाई करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ही अच्छे से स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज भी कर दिया। तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको ये रेमेडी कैसा लगा ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, और ये वाला रेमेडी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद क्या लगा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और ये वाला रेमेडी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन ट्राई कर सकते हो, एंड ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद रिजल्ट मुझको बताना मत भूलिएगा। तो चलिए नए कोई वीडियो पर मिलते हैं, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो।